नमस्ते। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आए हैं YouTube के माध्यम से कि किसी के शरीर से बहुत गंध आती है, बास मारती है, तो उसे कैसे छुटकारा मिले और वो बास क्यों मारती है। बास का तो सीधा सा अर्थ है, शरीर में अंदर पूरे में गंदगी रहती है। उसके बावजूद भी बहुत सारे शरीर ऐसे मनुष्य के जिनमें गंध नहीं रहती, बास में, जो बास से प्रभावित नहीं है, गंध से प्रभावित नहीं है, या जिनके पसीने में बहुत बास नहीं होती है, उनका अंदर का जो शरीर है, जैसे धमनी है, लीवर है, किडनियां हैं, वो स्वाभाविक सॉफ्टवेयर काम करता है। उनके शरीर में स्वाभाविक जो प्रक्रियाएं हैं, किसी भी पदार्थ को छानने की, फिल्टर करने की, वो हैं और वो उचित काम कर रही हैं। और उनके शरीर में जितने भी रोमे हैं, छिद्र हैं, वो सब ओपन हैं। इस कारण बॉडी को एडजस्ट करने की सामर्थ्य मिलती है और ऑक्सीजन लेने की भी सामर्थ्य अधिक रहती है। इस कारण पसीने की बदबू तैयार नहीं होती। सब शरीरों में गंध तो रहती है, सब शरीरों में मल मूत्र आदि रहता है, पर रोमे कम खुले होने के कारण कई शरीरों में बहुत पसीना, बास मारती है। और बास भी कई लोगों को इतनी खराब होती है कि ऐसे लोग कमरे में हों तो बाकी लोग कमरे में रुक नहीं सकते, और वो लोग आए जाएं तो बहुत दिनचर्या खराब हो जाती है दूसरे व्यक्ति की, पूरा वायुमंडल दूषित हो जाता है। उस तरह के हवामान से, पसीने की दुर्गंध से बचने के लिए हमें स्वाभाविक क्रिया करनी है। सुबह व्यायाम बहुत करना है। व्यायाम का मतलब है सूर्य उदय से पहले व्यायाम करना है, और सुबह जो पसीना निकलता है सूर्य उदय से पहले व्यायाम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, वो शारीरिक तापमान बढ़ाने के कारण निकलता है, जबरदस्ती निकाला जाता है। इसीलिए प्रेशर की वजह से रोमे छिद्र खुल जाते बॉडी के, और उसे खुलने के बाद स्नान हो जाता है तो वो छिद्र हमें ओपन ही रहते दिन भर। उसकी वजह से ऑक्सीजन जाने का मार्ग ज्यादा हो जाता है शरीर में, तो गंध कम हो जाती है। ये पहला उपचार है। दूसरा, जिनके शरीर में बहुत गंध आती है उनको रोटी अनाज कम खाना चाहिए। सबसे ज्यादा गंध अनाज से पैदा होती है शरीर में। अनाज बासा हो जाता है तो बास मारने लगता है, फल बासी हो जाते हैं बास नहीं आती, सब्जी बासी हो जाती है, सड़ तो जाएंगी पर बास नहीं आती है। इसलिए अन्न का ग्रहण करना कम कर दें, यानी एक समय भोजन ले लें, और शरीर को शुद्ध रखने के लिए फल खाएं, सलाद खाएं, रस पिए, और पानी की मात्रा बढ़ा दें। आप जितनी बार पानी पीते, बाथरूम जाते हैं, तो उससे भी पसीने की गंध में फर्क आता है। पानी जो लोग कम पीते हैं, बाथरूम कम जाते हैं, उससे भी कभी कभी बास होती है। जिनके शरीर में पहले से ही है वो बढ़ जाती है। और इसका उपचार है, गाय के गोबर से एक महीने तक स्नान करें। गाय का गोबर ले लें 100-200 ग्राम, 100-200 ग्राम पानी में घोल लें और बॉडी पे लगा लें, रगड़ लें उसको और नहा लें। रोज ये क्रिया करने से सारे छिद्र ओपन हो जाते हैं और बास चली जाती है, शरीर में नॉर्मल स्थिति आ जाती है, पसीने में गंध खत्म हो जाती है। ये भी अगर करने में असमर्थता है तो चंदन आदि का पाउडर आता है बाजार में बना हुआ, उससे स्नान करें 1-2 महीने, उसको मल लगा लें, साबुन की जगह उसको रगड़ें। परफ्यूम पाउडर लगाना पसीने की बदबू से निजात पाने का मार्ग नहीं है। कुछ समय के लिए उनकी सुगंध की वजह से दुर्गंध दिखेगी नहीं, पर वो क्रिया बंद नहीं होती है।
नेचुरल बॉडी की क्रिया बंद होनी चाहिए, चमड़ी पवित्र होनी चाहिए, मांसपेशियां पवित्र होनी चाहिए, अंदर से निकलने वाला जो एडजेशन वायु है, दुर्गंध है, वो शुद्ध होना चाहिए। तो वो अंदर से ही होगा, उसके लिए ये क्रियाएं करना आवश्यक है। कभी 15-20 दिन उपास रख लें, शाम को एक समय भोजन करें, सुबह एक समय फल और कच्चे सलाद आदि एक साथ ले लें, दिन भर कुछ ना खाएं, उससे भी इस क्रिया पे बहुत फर्क पड़ता है। शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पसीने में गंध नहीं आती है। तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि पसीना ऐसी चीज है कि ये दो लोग एक जगह नहीं सो सकते, परेशानी होती है, दो जगह एक जगह बैठ नहीं सकते, परेशानी होती है, और अंदर अंदर उसका स्वाभिमान भी गिरता है, पड़ोसी की व्यक्ति के मन में उसके प्रति प्यार नहीं बचता, दूर रहना चाहता है वो, पर रिश्ता ऐसा कि दूर रह नहीं सकता। इसलिए आप स्वाभिमान के शिकार ना बने, अंदर से कोई आपसे घृणा ना करे, इसलिए आप उस दुर्गंध से, पसीने की बात से मुक्ति पाए। तो मैंने आपको सरलता से यह मार्ग बताया, और दिन में 3 बार स्नान कर लें, पानी की मात्रा थोड़ा अधिक लेवें, भोजन कम करें, सुबह व्यायाम करें, गोबर से चंदन से स्नान करें, अपने आप देखते देखते आप पवित्र हो जाएंगे, पसीने की गंध शरीर में से समाप्त हो जाएगी और आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।